दोस्तों, आज जब हम ध्यान करें, अपने भीतर की समृद्धि से जुड़ना है। कैसे? अपने भीतर के डरों का सामना कर, भले ही वो डर मेरे अंदर हो या मुझे अपने जीवन में आसपास कहीं दिख रहा हो। शक्ति लेनी है उसका सामना करने के लिए और उसको रूपांतरित करने के लिए, ताकि हमारे जो भीतर के उपहार हैं वो उसमें से जाग पाए। तो आइए इस वरदान को, समृद्धि के वरदान को अपने लिए अर्जित करते हैं आज सातवें दिन की साधना से। एक सुखासन में बैठ जाइए, अपने पांव को लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और तीन गहरे लंबे सांस लीजिए, नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर लाएं। प्राकृतिक सांस अर्थात जैसी सांस आपको सुलभ रूप से आ रही है, जिसे कुछ ज्यादा खींचना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अपने आप ही चलने देना है, जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं है, वही प्राकृतिक है।
इन सांसों के साथ जुड़ते हुए खुद को बताते हुए मैं तैयार हूं अपने भीतर इस समृद्धि की चेतना को जगाने के लिए। संपूर्ण स्तरों की स्मृति जो मेरी पूर्णता का रूप है, और अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ खुद को गहरा उतरने दें। आज दिन है देवी कालरात्रि का, जिन्हें हम जानते हैं
शुभांकरी के नाम से, जो शुभ करने वाली है, जो शुभ का आगमन है। जो हमें शुभता से जोड़ती है, ऐसी है मां कालरात्रि।
इस रात्रि से पार हो, हम भीतर के प्रकाश को जानते हैं। अपने इस स्वरूप से माँ हमें बताती हैं कि अंधेरे से अंधेरे पक्ष से जाते हुए भी हम अकेले नहीं। वो माँ की चेतना शक्ति बन हमारे भीतर विद्यमान है।
जब आंखें बंद हम ध्यान करते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आता है। यही अंधेरा रूपक है मां काल रात्रि का। कहीं नहीं जाना, केवल यही रुकना है अपनी सांसों के साथ, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। खुद को गहरे जाने देना है।
इस ध्यान के माध्यम से खुद के भीतर जो किसी भी प्रकार का डर है, आज हम उसे दृष्टा रूप से देखने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ नहीं करना, केवल दृष्टा भाव से अपनी सांसों के साथ बने रहना है।
इस अंधेरे की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं हम। और इसके भीतर जाते हुए हम उस शून्य में जा रहे हैं जहां सब कुछ एक है, जहां प्रकाश और अंधकार एक है, जहां सफेद और काला एक है। जहां द्वैत अद्वैत में जा रहा है, क्योंकि द्वैत का उद्देश्य ही अद्वैत में लेकर जाना है।
अपने भीतर मां काल रात्रि की चेतना को प्रज्वलित होने देंगे, जिनसे हम शुभता लेते हैं, दृढ़ता लेते हैं, अपने डरों का सामना करते हैं और समृद्धि के वरदान को पाते हैं। आत्मीय समृद्धि। बने रहेंगे अपने ध्यान में, आखिरी 5 मिनट
ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएंगे। खुद के लिए शक्ति अर्जित करते हुए अपने भीतर के रक्त बीज अर्थात हमारे डरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। पूर्णता की शक्ति। समृद्ध होने की शक्ति। आखिरी एक मिनट कृतज्ञता के भाव के साथ अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे। पांच क्षण वहां रखते हुए धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे।